लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया शाखा फलोदी के तत्वावधान में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत बीमा धारकों व अभिकर्ताओं की मांगों को लेकर फलोदी LIC शाखा समक्ष एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया शाखा फलोदी के तत्वावधान में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत बीमा धारकों व अभिकर्ताओं की मांगों को लेकर फलोदी LIC शाखा पर एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शाखा प्रबंधक फलोदी को अध्यक्ष भारतीय जीवन बीमा निगम केंद्रीय कार्यालय मुंबई के नाम ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में लाइफ इंश्योरेंस एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभिकर्ताओं ने अपनी मांगों में बताया कि बीमा धारकों का बोनस बढ़ाया जाए, बीमा लोन पर ब्याज दर कम की जाए, बीमा प्रीमियम पर GST हटाई जाए, अभिकर्ताओं की ग्रेजुएटी बढ़ाई जाए, ऑनलाइन बीमा बंद किया जाए, अभिकर्ताओं को फूड कूपन जारी किया जाए, पॉलिसी धारक को अभिकर्ता बदलने की प्रक्रिया की जाए, अभिकर्ताओं का कमीशन बढ़ाया जाए, अभिकर्ताओं का ग्रुप इंश्योरेंस बढ़ा जाकर इसकी प्रीमियम LIC द्वारा वहन की जाए। इन मांगों को लेकर फलोदी LIC शाखा फलोदी के समक्ष एक दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। इस दौरान नारेबाजी कर विरोध भी जताया गया। अभिकर्ता संगठन फलोदी शाखा के अध्यक्ष अशोक बोहरा व सचिव दाबूराम ढोका के नेतृत्व में भारी संख्या में अभिकर्तागण उपस्थित रहे। आज हम सब जो अभिकर्ता संघ शाखा फलोदी ये अभी जो हुई है, आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चल रहा है जो अभिकर्ताओं के खिलाफ जो दमनकारी नीति इन्होंने अपना रखी है मैनेजमेंट और IRDA ने, जो अभिकर्ताओं के लाभ को वो खुद खाने लग गई है। अभिकर्ताओं को और पॉलिसी धारकों का लाभ बिल्कुल देना उन्होंने बंद कर दिया है। पिछले 30 साल में कोई पॉलिसी धारक का बोनस नहीं बढ़ा है, ये भी एक बहुत बड़ी विनम्रता है। और उसी के खिलाफ प्लस जो पॉलिसी धारक जो प्रीमियम जमा कराते हैं उस पर GST लगा रहे हैं, जबकि ये सेविंग है ना, कोई ये फायदे वाली चीज़ है जिस पर GST लगे। तो ये GST हटना चाहिए और इनकी मनमानी नहीं चलनी चाहिए मैनेजमेंट की, यही हमारा आग्रह है। उसी के लिए पूरा राष्ट्रव्यापी धरना चल रहा है।